बिसमीम् अल्लाक उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और टुडेज टॉपिक इज़ लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स का मतलब क्या है व्हाट इज़ मीन बाय लाइसोसोम्स लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग एंड सोमा मींस बॉडी दे वर एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय डी डी विद नाइनटीन फोटी लाइसोसोम्स हैं क्या मार्फोलोजी इनकी क्या है अगर आप सेल के अंदर देखें जिस तरह न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है या क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है जिसमें आउटर या इनर मेम्ब्रेन और उनके दरम्या में स्पेस भी होती है अनलाइक दीज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गनेलीस लाइसोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड वैजिकल लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है जी तो ये जो होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं इनके गिर एक ही मेम्ब्रेन होती है अब लाइसोसोम का ओरिजिन क्या है ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्ग्नालीस कहाँ से आते हैं ठीक है ना सेल के अंदर होते हैं ये लेकिन कहाँ से आते हैं एक्चुअली दे कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और फासफेटेजिज वगैरह इसके अंदर होते हैं तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं तो डेफिनेटली कहाँ पर बनेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनेंगे, बनेंगे वहाँ से ये बनने के बाद दे विल ट्रेवल टूवर्ड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वहाँ से इनके वेजिकल ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स के जरिए से इनकी प्रोटीन्स को लेके आएंगे फार्मिंग फेस या सिस गोल्गी की तरफ और सिस गोल्गी से दे विल ट्रेवल टू मेच्योरिंग फेज एंड दे रिलीज फ्राम द मिचोरिंग फेज ऑफ द गोल्जी ऑपरेटस सो इनकी एक पर्टिकुलर साइट होती है जहाँ से ये रिलीज़ होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज गॉलजी एंडोप्लाजमिक रिलीजिंग साइट ऑफ लाइसोसोम्स वहाँ से ये रिलीज़ होते हैं और उसके बाद ये सेल के अंदर मौजूद रहते हैं द लाइसोसोम्स विच आर बडेडाफ फ्राम द फार्मिंग फेज आर ट्रांसगोलगी दे आर कार्ल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स इनको आप क्या कहेंगे इनको आप कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम सो प्राइमरी लाइसोसोमसिस्ट ऑफ इन्जाइम्स हाइड्रोलिटिंग इन्जाइम्स दे आर एक्चुअली एंड रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकोलम वहां से ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिकाइटिकुलम एंड दैन गॉलजी ऑपरेट और वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के बाद दे विल रिमेन इन साइड द सेल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल मेमरे एंड प्राइमरी लाइसोसोम अब ये जो लाइसोम्स हैं इनके अंदर आलमोस्ट फोर्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैं ठीक है जी यानी बेसिकली दे कंसिस्ट ऑफ यानीटिक एन्जाइम फोर्टी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनजाइम्स आर देयर ये इन्जाइम्स कौन से होंगे ये मेजर फूड जो मालिक्यूल्स है, हैं यानी बड़े मालिक्यूल्स हैं पॉलीमर्स जैसे प्रोटीन्स तो प्रोटीन्स को तोड़ के इनकी हाइड्रोलस में इन्वॉल्व होंगे ये और प्रोटीन्स को एसिड में कन्वर्ट करेंगे फाइनली सो दे आर प्रोटीज़ कुछ इनमें से एंजाइम प्रोटीज होंगे कुछ इनमें से लाइपेजेस होंगे जो लिपिड्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेंगे कुछ इनमें से अमाइलेज होंगे और कार्बोहाइड्रेजेज होंगे जो पोलीसेक्राइड और ओलीसेक्राइड की डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे और इसके अलावा न्यूक्जेज़ होंगे जो डी एन ए और आर एन ए वगैरह की न्यूक्लोटाइड की फास्टफाइस लिंकेज को तोड़ते हैं सो दे कैन बी एस्ट्रेज दे कैन बी ग्लूकोसाइडेज और दे कैन बी पेप्टाइडिजिस uh, तो ये इंज़ैम जो होते हैं ये इनको तोड़ते हैं तो बड़े मालिक्यूल मैक्रो मालिक्यूल्स आपने पढ़ लिया दे कैन बी प्रोटीन दे कैन बी कार्बोहाइड्रेट दे कैन बी लिपिड दे केन भी डी एन ए मालिक्यूल तो सेल के अंदर ये मालिक्यूल्स जहाँ पर भी तोड़े जाएंगे उसमें इंजाइम्स कौन से होंगे दीज इंजाइम विल बी द लाइसोसोमल इंजाइम सो दे एक्चुअली दे आर ऑर्गेनालीज विच आर रिस्पांसिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ मैक्रो मालिक्यूल्स इन साइड द सेल सो इसीलिए इनको क्या कहते हैं लाइसोसोम्स लाइसो का मतलब होता है स्प्लिटिंग सोमा मीन्स बॉडी सो दे आर इन्वॉल्व इन स्प्लिटिंग ऑफ माइक्रो मालिक्यूल इंटू माइक्रो मालिक्यूल्स जहाँ पर भी सेल के अंदर तोड़ फोड़ की जरूरत पड़ेगी जो माइक्रो मालिक्यूल्स हैं न्यूट्रिएंट्स हैं इनको तोड़ने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर लाइसोसोम इंजाम विल प्ले अ वेरी क्रूशल रोल तो फोर्टी के करीब ऑलमोस्ट फोर्टी के करीब ये इन्जाम्स हैं अब इनका ओरिजिन भी आपने देख लिया इनका ओरिजिन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां से गॉल्जी कम्प्लेक्स एंड देन दे विल रिलीज एज अ प्राइमरी लाइसोसोम फंक्शन इनके क्या क्या हैं सेल के अंदर ये क्या जॉब परफॉर्म करते हैं वट आर द फंक्शन विच आर एसोसिएटेड विद लाइसोसोम्स तो नंबर वन सबसे पहले तो एनी थिंग विच एंट्री इन टू द सेल यानी कोई भी मालिक्यूल सेल के अंदर जाएगा जब सेल इसको इनटेक करेगा एंडोसाइटोसिस के जरिए से या फेगोसाइटोसिस के जरिए से ये मटेरियल सेल के अंदर दाखिल होगा इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रो मालिक्यूल न्यूट्रिएंट्स दे विल बी ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम होगा क्या एक्चुअली ये जो मालिक्यूल यहाँ से एंटर हो रहा है इसको आप कहेंगे फेगोसोम इट इज़ अ फूड वैक्यूल फूड इज़ इंसर्कल्ड एज फार एज सेल मेम्रेन इज कंसर्न जैसे अमीबा के अंदर आप देखते हैं कि अमीबा के सोडोपूडिया इंसर्कल करते हैं और फूड मटेरियल को सेल के अंदर लेके चले जाते हैं तो इस मालिक्यूल को विच कंसिस्ट अफ फूड इज कार्ड एज फूड वैक्यूल और फैगोसोम द प्रोसेस कार्ड एज फैगोसाइटोसिस और दूसरी तरफ प्राइमरी लाइसिसोम जो पहले से सेल के अंदर होते हैं इनकी पी एच एसिडिक होती है इनके एंजाइम इनएक्टिव होते हैं जैसे ही अटैच होंगे यानी इधर से फूड वैक्यूल आया इधर से प्राइमरी लाइसिसोम बोथ विल कम्बाइन एंड डिविल फार्म सेकेंडरी लाइसोसोम इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम इट कंसिस्ट ऑफ दिस फूड वैक्यूल एंड प्राइमरी लाइसोसोम दे विल फ्यूज एंड दे विल फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर जो मेजर मैक्रोमालिक्यूल हैं दे विल बी भी अप यानी इनकी हार्डोलिसिस होगी इनके अंदर अगर प्रोटीन है तो उसके पेप्टाइड बांट को तोड़ा जाएगा हाइड्रोलिसिस होगी लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस होगी एस्टर बड्स को तोड़ के और कार्बोहाइड्रेट्स की ग्लूकोसिडिक बांट को तोड़ के और इसी तरह से अगर न्यूक्लियस हैं तो आ, वो तोड़ेंगे न्यूक्लिक एसिड के फासफोड एसड लिंकेज को सो दे विल बी ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर माइक्रो मालिक्यूल्स ये माइक्रो मालिक्यूल जो होते हैं ये यहाँ से एबजार्ब होकर सेल के अंदर चले जाते हैं साइटोसोल के अंदर इज स्टोर हाउस ऑफ द सेल और जो रेजिडुअल बॉडीज होंगी ये आके सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगी एंड दिस मटीरियल विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द सेल सो ये जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये एंडोसाइटोसिस के बाद जो फूड मालिक्यूल्स को तोड़ा जाता है वो कौन तोड़ते हैं दे आर एक्चुअली एंजाइम्स ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स प्राइमरी लाइसोसोमल एंजाइम्स विच आर बडेड ऑफ फ्रॉम द मेच्योरिंग फेस दे आर रिस्पांसिबल फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसी तरह से हमारे कुछ वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो भी यानी हमारे वाइट ब्लड सेल जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स वगैरह जो होते हैं ये भी ब्लड के अंदर या टिश्यूज़ के दरम्यान में ये पेट्रोलिंग करते हैं और वहाँ पर कोई फारन अगर कोई इन्वेडर है कोई माइक्रोब है तो उसके गिर भी ये सोडोपोडिया डेवलप करेंगे और उसको भी अपने लेसोमल इन्जाम के जरिए से ऐसे ही तोड़ेंगे इसलिए उन वाइट ब्लड सेल्स को हम अमीबाइट सेल्स भी कहते हैं दे आल्सो कॉल्ड एज अमीबाइट सेल्स हमारे ब्लड के अंदर भी वाइट ब्लड सेल बिल्कुल इसी तरह से फॉरन जो इन्वेडर्स हैं उनको इन गल्फ करके उनको चोप टप कर देते हैं तो वन ऑफ द एक्शन ऑफ द लाइसोसोम इज एंडोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस एंड डाइजेशन ऑफ दीज फैगोसोम विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम एंड प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल विल कंबाइन टू फॉर्म फैगोलाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर डाइजेशन ऑफ दीज फूड मटीरियल विच एंटर इन टू द सेल तो इसके बाद दूसरा नेक्स्ट उनकी जॉब जो है वो ऑटोफेगो साइटोसिस यानी समटाइम्स ये होता है कि सेल जो होता है उसके अंदर अगर कुछ ऑर्गेनालीज हैं विच आर नो लॉन्गर फंक्शनल या जिनकी सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है इफ दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम्पल अगर ओल्डर माइटोकॉन्ड्रियाँ हैं कोई विच आर नो लॉन्गर फंक्शनल तो दे विल बी इन गल्फ बाय प्राइमरी लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम इनके साथ अटैच होंगे दे विल फॉर्म अ सेकेंडरी लाइसोसोम विच इज कॉल्ड एज आटोफेगोसोम अब ये आटोफेगोसोम जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द सेल्स इट्स सेल्फ सेल्फ ईटिंग यानी खुद को खाने के जो प्रोसेस है उसको आप कहते हैं आटोफैगी तो आटोफैगी में सेल जो होता है वो अपने ही कुछ ऑर्गेनलीज को इंगल्फ करता उसको डाइजेस्ट करता और उसको रिसाइकल कर देता फॉर uh, एग्जांपल uh, आप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो होती है वो भी कंट्रोल uh, कर रहे होते हैं इफ़ समबडी इज़ डूइंग एक्सरसाइज वो फिटनेस की तरफ जा रहा है एक्सरसाइज करता है और इस दौरान में मसल्स की एक्टिविटी इंक्रीज होती है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्डिया भी बढ़ जाते हैं उस पर्सन के अंदर और अगर वो एक्सरसाइज या फिटनेस छोड़ के ज़रा रिलैक्स uh, मोड की तरफ जाता है और फिजिकल एक्टिविटी उसकी कम हो जाती है तो ऑब्वियसली उसके अंदर एनर्जी की डिमांड कम हो जाती है तो नंबर ऑफ़ माइटोकॉन्डिया जो होते हैं दे विल भी अगेन कंट्रोल्ड विद दी हेल्प ऑफ लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम उसके साथ जाके जा अटैच होंगे इस uh, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ विच इज़ नो लांगर रिक्वायर्ड एंड देन इट विल बी चोप अप और इसको डाइजेस्ट uh, करने के बाद इसके यूजफुल सब्सटेंसेस हो जाएंगे और अनडाइजेस्टेड फूड ऑब्वियसली विल बी एक्सपेल्ड आउट सो जो आटो इट इज़ बेसिकली सेल्फ ईटिंग समटाइम्स सेल्फ ईटिंग विल टेक प्लेस ड्यूरिंग स्टारवेशन इफ अ सेल इज़ पासिंग थ्रू अ पीरियड वेयर देर इज़ नो एक्सटर्नल फूड अवेलेबल तो इस सूरत में उसको सर्वाइवल के लिए अपने ही कुछ पार्ट्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड के तौर पे यूज़ करना पड़ता है तो वो एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स होंगे उसके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे जो मेम्ब्रेन्स होंगे या जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो उसको फूड वैक्यूल के तौर पे इस्तेमाल करेगा और इसको आप कहेंगे आटोफेगोसोम यानी सेल्फ ईटिंग इस प्रोसेस में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर कंट्रोल्ड तो सेकेंड जो इसके अंदर फंक्शन है वो है आटोफेगोसोम एंड आटोफैगी तीसरा जिसको जॉब होती है ऑटोलाइसिस आटोलाइसिस क्या होता है आटोलाइसिस इज अ बेसिकली सेल्फ किलिंग यानी ये जो आटोलाइसिस का प्रोसेस है ये अपने आप को किल करने का यानी सेल अपने आप को किल भी कर सकता है और ये लाइसिसमल एंजाइम्स कैन एक्ट लाइक अ सुसाइडल बैग ये जो होते हैं ये इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अपने मैक्रोमारारिक्यूज को यानी लिपिड्स को प्रोटीन्स को कार्बोहाइड्रेट्स को चॉपअप करने की एबिलिटी रखते हैं आमतौर पर ऐसा क्यों नहीं होता चूंकि दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड दे आर इन द इनएक्टिव स्टेट आर एन इन एन इनएक्टिव स्टेट क्यों क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रखे जाते हैं और ये इंजैम इनएक्टिव होते हैं लेकिन समटाइम्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट, दो सेल्स विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड दीज सेल्स विल अंडर गो अ कंट्रोल्ड सेल डेथ द प्रोसेस कार्ड एज अपॉप्टोसिस इसमें क्या होता है इसमें लाइसिसमल इंजाम उन अननेसेसरी सेल्स की विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड ये पूरे सेल्स के अंदर डिस्पर्स हो जाते हैं और सेल के अंदर जो उसकी आ, आ, किलिंग शुरू कर देते हैं इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं दे आर गोइंग टू बी डाइजेस्टेड एंड दे फॉर्म स्मॉल एपोप्टोटिक बॉडीज एंड दिस विल बी इंगल्फ बाय अदर सेल्स वो इसको, इसको इस तरह कंट्रोल्ड सेल डेथ के जरिए से ठिकाने लगा देते हैं दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस तो ऑटोलाइसिस इज अ प्रोसेस इन विच सेल्फ किलिंग टेक्स प्लेस सुसाइड ऑफ द सेल विल टेक प्लेस अ सेल विल कमिट इट सेल्फ टू बी डिस्ट्रॉयड विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन लाइसोम तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें भी यानी कंट्रोल्ड सेल डेथ के अंदर भी लाइसिसोम्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है फोर्थ इसका जो फंक्शन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यानी अगर सेल ने कहीं बाहर डाइजेशन के लिए अपने एंजाइम्स को एक्सपोर्ट करना है मिसाल के तौर पे आप देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स के एंजाइम औरल कैविटी में आते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के एंजाइम स्टॉमिक के अंदर रिलीज़ होते हैं थ्रू गैस्ट्रिक पेट्स इसी तरह से पैंक्रियाज के एंजाइम जो होते हैं पैंक्रियाटिक ड के जरिए से पहुँचते हैं कहाँ पर पहुँचते हैं ड्यूडेनम के अंदर पहुँचते हैं तो इंटस्टाइनल uh, जूस के एंजाइम जो होते हैं वो इंटस्टाइन के अंदर रिलीज़ होते हैं तो दीज आर द एंजाइम्स विच आर सिंथसाइज

एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देते हैं वहाँ से किसी डक के ज़रिए से टारगेट uh, साइड तक पहुँचेंगे और वहाँ पर डाइजेशन करेंगे जैसे ओरल कैविटी में डाइजेशन जैसे स्टॉमिक के अंदर डाइजेशन या इंटेस्टाइन के अंदर तो वहाँ पर इंजैम्स को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए यानी गट के अंदर डाइजेशन के लिए वहाँ पे पहुँचाया जाता है और वहाँ पर ये डाइजेशन uh, के प्रोसेस जो होता है उसको कंप्लीट करते हैं सो so, लाइसोसोम्स को दोबारा देख लें लाइसोसोम्स क्या हैं लाइसोसोम्स आर स्प्लिटिंग बॉडीज़ दे आर रिस्पांसिबल फॉर स्प्लिटिंग ऑफ माइक्रो मालिक्यूल इंटू माइक्रो मालिक्यूल ये माइक्रो मालिक्यूज या जो सब्सटेंसेस हैं न्यूट्रेंट्स ये हम इनटेक करते हैं और इनको प्राइमरी लाइसिसोमिन के साथ जाके अटैच होकर इनको डाइजेस्ट uh, करते हैं और हमारे लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इसके अलावा दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल विद दी हेल्प ऑफ आटो और स्टारवेशन में भी आटोफैगी जो होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है अनटिल जब तक के न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो जाते इसके अलावा आटोलाइसिस के जरिए से प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर अपॉप्टोसिस के जरिए से सेल अपने जो लिविंग ऑर्गेजम है वो अपने अननेसेसरी सेल से छुटकारा पाते हैं और ये वहाँ पर एक सोटसाइडल बैक के तौर पर काम करते हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा सेलोडाइजेशन के लिए भी लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वाइट ब्लड सेल्स का रोल भी हमारे अंदर जो आपने आ, देख लिया कि हमारे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं दो दीज आर एक्टिंग लाइक अमीबाइड सेल्स एंड दे इन गर्ल्फ फारन पार्टिकल्स सो तो दीज आर द मेजर फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स तो इनशाला नेक्स्ट जो है वो हम माइक्रो बॉडीज को डिस्कस करेंगे अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस हवाले से आप पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच